What could get to you? अपना आप जाहिर किया
कैसे अहद के संदूक की सूरत में खुरूज 25 बाब 21 और 22 आयत, गिनती की किताब 10 बाब 35-36 आयत और सैमुअल 4 बाब 1 से 22 आयात तक हम इसमें सब पढ़ते हैं कि कैसे खुदा ने हुक्म दिया, किस तरह से अहद का संदूक बनाया जाए और उसमें क्या रखा जाए, उसको कैसे तरतीब किया जाए ताकि खुदा का जलाल उसके लोगों के दरमियान ज़ाहिर हो। तीसरी बात, जलाल का बादशाह अपने लोगों के दरमियान और उनके साथ अपनी मौजूदगी के इजहार के लिए सफ़र करता है। ये जो लिखा है सफ़र करता है, ये अलामत के तौर पर इक्तसारा के लिए इस्तेमाल किया गया है। गिनती 10 बाब 33 और 36 आयत और यशवा बाब नंबर 3 पूरा है, मत्ती 21 बाब 1 से 5 आयात और 26 बाब की 64 आयत। हम देखते हैं कि जलाल का बादशाह सफर करता है। जब अहद का संदूक उठाया जाता लोग चलते थे, जब अहद का संदूक रुक जाता था लोग डेरे डाल देते थे, रुक जाते थे, क्योंकि खुदा अपने लोगों के साथ अहद के संदूक में अपने जलाल के साथ सफर करता था। चौथी बात, अहद का संदूक लावियों और कहनों के कंधों पर सवारी करता है। अहद का संदूक जो है वो लावियों और कहनों के कंधों पर सवारी करता है और ये जलाल के बादशाह की पहली सवारी है। शायद आपने पहले भी पढ़ा हो लेकिन हमने इसको समझा ना, जलाल का बादशाह अहद के संदूक में अपने लोगों के दरमियान लोगों को हुक्म देता है कि काहिन और लावी सिर्फ अहद के संदूक को उठाएंगे, उसके जलाल को अपने ऊपर पाकर रखेंगे और वो सवारी के तौर पर उनको इस्तेमाल करता है। सबसे पहली सवारी क्या है? काहिनों और लावियों के कंधे जो संदूक उठाते थे। पांचवी बात, जलाल के बादशाह ने जब वो मुजस्सम होकर दुनिया गया तो उसने अपनी दूसरी सवारी कश्ती को बनाया। दूसरी सवारी किसको बनाया? कश्ती को बनाया। खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। यीशु मसीह जो खुदा का इकलौता बेटा है उसने पाप का जलाल ज़ाहिर किया। वो फजल और सच्चाई से मामूर होकर आया था और जब उसने अपनी खिदमत का आगाज किया तो वो कहां गया? झील के किनारे, और उसने वहां पर पतरस को, यूहन्ना को, इंद्रियास को, मछेरों को, जो माहीगीर थे, जिनकी कश्तियां थी, उनको अपने पास बुलाया और फिर उन्हीं की कश्तियों में बैठकर वो सफर करता था। उसके पास अपनी कोई जाती सवारी नहीं थी लेकिन वो उनकी कश्ती में बैठकर सवारी करता था। आमीन। पहली सवारी क्या थी? जलाल के बादशाह की। पहली सवारी क्या थी? निकाहिन और लावी के कंधे। पहली सवारी क्या थी? काहिनों और लावियों के कंधे। काहिनों और लावियों के कंधे। मैं इसलिए दोहरा रहा हूं ताकि आपकी समझ में आए, आगे चलेंगे और आपको समझ आएगा, आपको बरकत मिलेगी। अगर आप बरकत लेना चाहते हैं किन बातों को रिपीट करें और समझें। आमीन। जलाल के बादशाह की पहली सवारी क्या था? दूसरी सवारी क्या है? जब वो मुजस्सम होकर जिस्म में आया कौन सी सवारी थी? कश्ती सवारी। छठी बात, जब जलाल का बादशाह मुजस्सम होकर आता है अपनी सवारी गधे को बनाता है। अभी हमने हमारा पढ़ा ना, जब जलाल का बादशाह यरूशलम में दाखिल होता है, शाहाना उसका इस्तकबाल किया जाता है तो वो गधे पर सवार होता है। किस पर सवार होता है? गधे पर। सातवीं बात, जलाल का बादशाह मुस्तकबिल में घोड़े को अपनी सवारी बनाएगा। जलाल का बादशाह
मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में घोड़े को अपनी सवारी बनाएगा। मुकाशवा की किताब 11-16 आयत में पढ़ते हैं, एक सफेद घोड़े पर यीशु सवार होकर आएगा और उसके फरिश्तगण भी सफेद घोड़ों पर होंगे। मुस्तकबिल में आने वाले वक्त में कौन सी सवारी होगी? घोड़े। एक सवारी और है मुस्तकबिल की, वो क्या है? वो है नौवीं जलाल का बादशाह मुस्तकबिल में बादलों को अपनी सवारी बनाएगा। किसको सवारी बनाएगा? अपनी बादलों को सवारी बनाएगा। हम अमाल की किताब में पढ़ते हैं कि जब यीशु मसीह आसमान पर उठाए गए तो बदली ने यीशु मसीह को छुपा लिया, तो वहां पर जितने जमा थे जो यीशु को देख रहे थे, उसके शागिर्द और भी बहुत सारे लोग, निकाय के 500 के करीब वहां पर लोग थे, तो फरिश्तों ने उनको कहा कि जैसे तुमने बादलों पे आसमान पर जाते हुए यीशु मसीह बादशाहों के बादशाह को देखा है, फिर उसी तरह से तुम बादशाह को बादलों पर आते हुए दरवाजा खोल दो। भाई मुस्तकबिल में कौन सी सवारी है? उससे पहले कौन सी सवारी? मैंने बताई आपको, घोड़े पे आएगा, फिर क्या आएगा? बादलों पे आएगा। ये मुस्तकबिल की बात कर रहा हूं। नौवीं बात, जलाल का बादशाह, नौवीं बात, जलाल का बादशाह अपनी सवारी का इंतखाब खुद करता है। उसकी सवारी का इंतखाब मैं और आप नहीं कर सकते, वो अपनी सवारी का इंतखाब खुद करता है। जैसा कि यशुआ 3:7-8, लूका 5:3 और ये जो हवाला अभी हमने पढ़ा है, खुदा ने ही हुक्म दिया था कि काहिन और लावी क्या करें, अहर का संदूक। तो किसने मुंतखब किया? किसने इंतखाब किया? क्या किसी और ने किया था? क्या मूसा ने किया था? क्या यशुआ ने किया था? मूसा, यशुआ और किसी ने नहीं किया। खुदा ने खुद अपना इंतखाब किया था कि ये लावी, ये काहिन जिन्हें मैंने अपने लिए चुना है, ये जलाल के बादशाह को उस अहर के संदूक को। फिर यीशु मसीह ने जब सवारी करनी थी तो उसने कश्ती को खुद चुना। कश्तियां वहां पर बहुत सारी खड़ी थी, लेकिन उसने पतरस की कश्ती को चुना कि तू मेरे साथ अंदर चल। फिर हम गधे को देखते हैं, यीशु ने अपने शागिर्दों को भेजा कि जाओ सामने के गांव में, वहां पर एक गधी है, उसका बच्चा है, बंधा हुआ है, ले आओ। अगर कोई पूछे तो कहना खुदावंत की जरूरत है। खुदा जलाल का बादशाह खुद इंतखाब क्या करता है? खुद इंतखाब। दसवीं बात, जलाल के बादशाह की वर्दी के खिलाफ सवारी हो तो वो गजबनाक होता है। थोड़ी थोड़ी अब आपको समझ आनी शुरू होनी चाहिए। कितनी सवारियों का मैंने जिक्र किया? हाँ जी, 8 सवारियों का मैंने जिक्र किया। अब फिर उसने अपनी सवारी खुद मुंतखब की है, इंतखाब किया है। अब ये है कि जलाल के बादशाह की मर्जी के खिलाफ सवारी हो तो वो गजबनाक होता है। दूसरा सैमुअल 2:6 में हम पढ़ते हैं, फिर पहला सवारी 15:12-15 में पढ़ते हैं कि वहां पर एक जिक्र मिलता है आपको कि जंग हो रही है। ये मैं थोड़ा सा बयान करना चाहता हूँ ताकि आपको समझ आए। जंग हो रही है फलस्तीन और यहूदी लड़ रहे हैं, जंग हार रहे हैं, तो जल्दी से भेजा गया कि जाओ अहद के संदूक को उठाकर ले आओ। और एली काहिन के बच्चे जो थे शरीफ थे, वो खुदा की पसंद के नहीं थे, वो बदकार थे, वो खुदा के खिलाफ चलते थे। और जब वो वहां पर गए तो मारे गए, क्योंकि खुदा की मर्जी की सवारी नहीं थी, मारे गए, जंग हार गए।
और जब जंग हारी जाती है तो जो उसके साथ जंग हो रही होती है दोनों पार्टियां अपने अपने महबूद लेकर आती है। उस वक्त वो अपने झूठे महबूदों को बुतों को लेकर आए हुए थे और यहां अहद का संदूक है, जिंदा खुदा है, लेकिन क्योंकि वो उनसे नाराज था, कौन से नाराज था, लोगों से नाराज था, उन लोगों से जो भागकर लाए उनसे नाराज था, इसलिए खुदा का गजब उन पर भड़का और वो दोनों बेटे उसके मर गए। और जब एली को भी कहा इनको खबर मिली तो वो भी मर गया। और अब हुआ क्या कि जब फलस्तीनी उसको भागकर ले गए, सुनिएगा, जब फलस्तीनी भागकर ले गए होता क्या है, उन्होंने अपने मंदिर में जाकर रख दिया, तो वहां पर फलस्तीन पर खुदा का गजब नाज़िल, वहां के लोगों को गिल्टियां निकल आई, वो चिल्लाए रोए, उन्होंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा कि तुम खुदा को उसके अहद के संदूक को उठा लाए हो, तुम्हें ये जेबा नहीं देता कि तुम उसे मंदिर में रखो, बुतों के साथ रखो, ऐसा करो कि उसको दोबारा वापस कहां भेजो, इसराइल में। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत खूबसूरत बैलगाड़ी तैयार की, उन्होंने बैलगाड़ी तैयार की और उसमें सोना भी रखा, हथियार भी रखा, और उन्होंने उसको भेज दिया और वो कहां चली गई, इसराइल की हदूद में। तो जब वो इसराइल की हदूद में चली गई तो एक शख्स के हां वो संदूक उसके घर वो ठहरा, तो वहां पर बरकत थी, वहां पर क्या थी, बरकत। इससे पहले का वाक्य है कि वो शख्स एक और जो खुदा को पसंद नहीं था, खुदा किसी को अपने संदूक को हाथ नहीं लगाने देता, जलाल को हाथ नहीं लगाने देता, तो जब वो गाड़ी आ रही थी तो वो शख्स देखता है कि गाड़ी बैल की वजह से ठोकर खाकर संदूक गिरने वाला है, उसने हाथ उठाया, खुदा का नाम हो, वहां पर मर गया। और दाऊद परेशान हुआ और दाऊद ने उसको अपने लाने का ऐलान किया। तो जब यूबेल के घर चला गया तो खुदा ने वहां पर जहां पर खुदा का संदूक था उस घर को बरकत दी, उसके खानदान को बरकत दी, उसके बच्चों को बरकत दी, उसके कबीला को, खानदान को बरकत मिल गई। क्यों? क्योंकि खुदा का जलाल, खुदा की हजूरी उस जगह थी। और जब दाऊद ने देखा, जब दाऊद ने देखा कि अहद का संदूक उसके घर में है और वहां पर खुशहाली है, वहां पर शादमानी है, वहां पर खुदा उनको बरकत दे रहा है, तो क्यों ना मैं अपने शहर में अपने हाल ले आऊं। तो उसने जब प्लान किया, उसने गाड़ी दिया और क्या किया कि उसने कहिनों को, लावियों को दावत दी, आओ हम जलाल के बादशाह के अहद के संदूक को लेकर आए। और वो वहां पर खुशी से अपने हाल दिया, अहद का संदूक लावियों ने उठाया और ले आए। छह कदम चले, लिखा है कि छह कदम चले तो उन्होंने क्या किया, कुर्बानी गुजरानी, इसलिए कि खुदा गजबनाक नहीं हुआ, खुदा ने माफ कर दिया, खुदा ने रहम फरमा दिया, इसलिए लोगों ने खुशी के साथ खुदा की हजूरी में कुर्बानी गुजरानी। वो खुश थे कि हमारा खुदा हमसे नाराज नहीं, हमको माफ कर दिया। तो वो जब लेकर आ रहे थे तो दाऊद बादशाह खुशी से नहा झूम रहा था और गा रहा था। तो मेरा ख्याल है कि ये जो ज़बूर 24 है उसी वक्त लिखा गया। थोड़ा सा गाएं, हाँ जी गाएं सर, शाबाश।
जलाल का बादशाह कौन है? लोगों ने क्या कहा? हाँ जी जरा गाएं। खुदा की मर्जी की सवारी है तो लोग खुशी से नहाल हैं, लोग उसको लेकर आ रहे हैं, गा रहे हैं, झूम रहे हैं, क्योंकि अब उसकी मर्जी की सवारी है। यानी काहिनों के कंधे हैं, लावियों के कंधे हैं। हालेलुया। ग्यारहवीं बात, जिनके कंधों पर, बच्चों जरा गौर से सुनो, मैंने आपको बादला को बरकत मिलेगी, गौर से सुनो, जिनके कंधों पर जलाल का बादशाह सवार होता है उनके कदमों में तासीर होती है। जिनके कंधों पर बादशाह सवार होता है उनके कदमों में भी तासीर होती है। हालेलुया। एक दफा हमने जिक्र पढ़ा कि मूसा ने लाठी को किया, जलाल के बादशाह ने हुक्म दिया, समुद्र बैरकोजन दो हिस्से, पानी में इकट्ठा करके कोई खड़ा कर सकता है? टेरता जो नहीं, लेकिन खुदा देखें, यीशु को उसने कहा कि तू यर्दन के दरमियान जाके खड़ा हो जा, लामियों के अहद का संदूक साथ गया, लावी आगे आगे हैं, काहिन आगे आगे हैं, संदूक कंधों पे हैं, और जब वो यर्दन के दरमियान जाकर खड़े हो गए, कंधों पे क्या है? संदूक है, और जलाल का बादशाह मौजूद है, उनके कदमों में तासीर आ गई, पानी ऐसे खड़ा हो गया, और वो सारे के गुजर गए जैसे बैरक गुजर में से। हालेलुया, हालेलुया। बारहवीं बात, जिसमें जलाल का बादशाह सवार हो जाए कोई तबाह नहीं कर सकता, जिसमें बादशाह सवार हो जाए उसको कोई तबाह नहीं कर सकता। कोई वाक्य मुझे बता सकते हैं? ऐसा क्या वाक्य है? कोई वाक्य बता सकते हैं? यीशु मसीह जब खिदमत कर रहा था, कश्ती, वेरी गुड, शाबाश। जब यीशु मसीह कश्ती में सवार था, तूफान था, शागिर्द परेशान थे कि हम तो बर्बाद हो जाएंगे, हम तबाह हो जाएंगे, हम मर जाएंगे, उन्होंने यीशु को जगाया। तो लिखा है कि यीशु ने, जलाल के बादशाह ने हवा पानी को इकट्ठा किया। अगर लिखा होता ना, कहा ग्रंथ कहते कहा, लेकिन यीशु ने उनको क्या किया? हालेलुया। हवा और पानी कश्ती का और उनका कुछ बगाड़ ना सकती, क्योंकि जलाल का बादशाह उस कश्ती के अंदर था। अगर आपकी जिंदगियों में जलाल का बादशाह होगा तो कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपको तबाह नहीं कर सकता, कोई आपका कुछ बगाड़ नहीं सकता। जलाल का बादशाह आपकी जिंदगियों में होना चाहिए। अपने आप को उसकी सवारी के लिए पेश कर दें। आगे सुने, जिसमें जलाल का बादशाह सवार हो जाए वो बरकत से भर जाता है, वो बरकत से भर जाती है। जिसमें बादशाह, जलाल का बादशाह सवार हो जाए वो बरकत से भर जाती है। आज कोई वाक्य हो गया, जाल मछलियों से भर गया, सारी रात वो वहां वहां ढूंढ रहे, कुछ नहीं मिला, लेकिन कहा कि खुदावंद तू कहता है, बादशाह तू कहता है, तो हम जाल डालते हैं। उन्होंने जाल डाला, मछलियां ही मछलियां हो गई, कश्ती भर गई, बरकत जारी हो गई, और उन्होंने आवाजें देना शुरू कर दी अपने साथियों को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को,
बुलाया, आओ हमारी मदद करो, हमारे पास बहुत सारी मछलियां हैं, तुम भी ले लो। आज के दौर में हम किसी को देना नहीं चाहते, असी कहने साठे को ही आता है, असी ना किसी यीशु जो बरकत दे उसको बांटो, बांटोगे तो मजा आएगा, बांटोगे तो लुत्फ उठाओगे, बांटोगे तो बरकत पर बरकत पाओगे, नहीं तो देखते ही रह जाओगे। आमीन। बच्चों इसको छोड़ो, मेरी तरफ छोड़ो, जो बात मैंने आप दोनों को कही थी सुनो, जो बात आप दोनों को मैंने कही, जो बच्चे शर्माते हैं गधा बनने से, सुन लो सारे, तुझे भी कही उनके लिए, तुम भी कही सुन लो, जिस पर जलाल का बादशाह सवार हो जाए उसकी शान बढ़ जाए, जिस पर जलाल का बादशाह सवार हो जाए उसकी शान बढ़ जाए। अब देखें यीशु गले पर सवार, लोग अपनी पगड़ियां, अपने दुपट्टे, अपने जामे, अपने कपड़े राह में बिछा रहे, तो उस पे चल कौन रहा है, उस पे चल कौन रहा है, गधा चल रहा था, यीशु तो गले पर बैठा हुआ था, यीशु तो गले पर बैठा हुआ था, चल तो गधा रहा था, कपड़े तो गले के पांव में आ रहे थे, उसकी शान बढ़ गई, क्यों, क्योंकि जलाल का बादशाह उसके ऊपर, जलाल का बादशाह उसके ऊपर और उसकी शान बढ़ गई। आज हम इसको बड़ा गलत बोल कर कोई बात बोलो तो गलत होता है, गलत होता है, मेरे यीशु उस पर सवारी है, सलीम है। पिछले दिनों पादरी साहब बता रहे थे कि एक कार्टून है, दो गधों का कार्टून है, देखा हो शायद, देखा किसी ने दो गधों का कार्टून, तो आपस में बात करते कल यार बात इतनी बड़ी गल सी, आज ने कोई पूछा नहीं, कल कहते यीशु सुभाष, कल कहते यीशु सुभाष, अगर पढ़कर सुनाना चाहते हैं, इज्जत पाना चाहते हैं तो अपने आप को सवारी के लिए पेश करें, अगर बढ़कर पाना चाहते हैं तो इनकार ना किया करें, अगर अपनी शान बढ़ाना चाहते हैं तो अपने आप को यीशु की सवारी के लिए पेश कर दिया। मैं सिर्फ इनको नहीं कह रहा, मैं आप सबको कह रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं बरकत पाना, अपनी शान बढ़ाना, आप अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी जिंदगी में आए, वो आपको बरकत दे, आपकी शान बढ़े, अपने आप को पेश। पंद्रहवीं बात, अब जलाल के बादशाह ने हमें मुंतखब किया है, और तलबात मैं इसलिए पीछे से लेकर आ रहा हूं ताकि आपको समझ आए, अब जलाल के बादशाह ने मुझे और आपको मुंतखब, बहुत सारे लोग हैं, दुनिया बड़ी बड़ी है, दिखाए तो तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें, उसने आपको मुंतखब किया, उसने आपको चुना है, इसलिए चुना है कि हम पूरी दुनिया में जाकर यीशु मसीह को पेश करें, इसने हमें इसलिए चुना है कि हम पूरी दुनिया में यीशु मसीह को पेश करें। यहूदी कौम को भी, इब्रानियों को भी इसलिए चुना गया था कि वो दुनिया में खुदा का जलाल लाए, आपको भी इसलिए चुना गया है कि आप खुदा का जलाल लाए, कि जिनमें हम पढ़ते ना आता हमें, मेरे बाप का जलाल इसीलिए सामरिया और दुनिया की, अब आपने खुदा की गुवाही देनी है यरूशलेम में, यहूदिया में, सामरिया में और दुनिया की इंतहा तक, खुदा ने आपको मुंतखब किया है, खुदा ने आपको चुन लिया है। आमीन। इसमें तीन बातें हैं बड़ी अहम है जो सुनने वाली है, अब आप मुंतखब हुए हैं,
और मैं अक्सर कहता रहता हूँ, अक्सर मैं कहता रहता हूँ इस मैसेज में हमें तीन बातें बड़ी गहराई से समझने की। नंबर एक, लालियों और काहिनों ने अपने आप को क्या किया था, पेश किया नहीं था, पाक किया था, खुदा ने उनको चुन लिया था कि तुमने ये काम करना है, तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। और जब उसने चुन लिया है, उसने मुंतखब कर लिया है, तो नंबर एक पाक होना, और लाली पाक हो गए, काहिन पाक हो गए, तब उन्होंने जाके अहद के संदूक को हाथ लिया। पहले आपने पढ़ा नहीं कि जो मैंने आपको समझाया नहीं कि जो खुदा को नाराज करने वाले थे, जो खुदा के खिलाफ चलने वाले थे, जो नापाक थे, जिनके अंदर गुनाह था, जिनके अंदर हरामकारी जनाकारी थी, खुदा का बदल उन पर बड़वा रो मार गए। हम मसीही हैं, हमें दुनिया को बताना है, हमने बताना है कि खुदा कौन है, हमने बताना है कि यीशु कौन है। हमेशा की जिंदगी ये है कि तुम खुदा वाद को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा तो जाने, अगर जानेंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, अगर पाक होंगे तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, अगर लोगों को खबर देंगे तो हम बरकत पाएंगे। और तीसरी बात, हमें दुनिया को एहसास दिलाना है, बेटा खामोश, हमें दुनिया को एहसास दिलाना है कि जिस जगह हम होते हैं हमारा खुदा वहां मौजूद होता है। दुनिया इन बातों को नहीं समझती, लेकिन आपने समझाना है, आपने उनको एहसास दिलाना है कि जिस जगह मैं हूं मेरा खुदा मेरे साथ है, इस वक्त मेरा खुदा मेरे साथ, आपका खुदा आपके साथ है, वही खुदा जो पूरी कायनात का खुदा है, वही जो जलाल का बादशाह है, जो उस पर ईमान लाते हैं, उसको कबूल करते हैं, जो अपने आप को उसके लिए दे देते हैं, जब वो बुलाता है दे देते हैं, तो खुदा उन पर अपने कर्मों उन्हें बताता है। हमने दुनिया को एहसास दिलाना है कि जगह हम हैं वहाँ हमारे साथ हमारा खुदा है। यीशु ने कहा कि हमें दुनिया के आखिर तक हमारे जलाल का बादशाह आखिर तक हमारे साथ है। सोलहवीं बात, जलाल के बादशाह की सवारी पाक होनी चाहिए। जलाल के बादशाह की सवारी कैसी होनी चाहिए? अभी हमने पढ़ा नहीं कि काहिनों ने अपने आप को पाक किया, तो मुझे और आपको भी पाक होना है। मैं और आप यीशु के पाक रूप से पाक होना, मैं और आप उसे कबूल करने से पाक होना, मैं और आप उसकी सलीबी मौत पर ईमान लाने से, उसके कब्र में से तीसरे दिन जी उठने से, उसके कफारा से पाक हो सकते। आमीन। सत्रहवीं बात, सत्रह बाब, सारवीं बात, जलाल का बादशाह जिस सवारी को मुंतखब करता है उसे फर्मा बरदारी करनी चाहिए। गदा देखें, वो यीशु को इधर उधर तो ले गया, यीशु जब उस पर बैठा तो गदा उसे इधर उधर ले गया, वो फर्मा बरदार था, जहां जहां यीशु गया वहां वहां गया, और भीड़ आगे आगे भी चलती थी और भीड़ पीछे पीछे चलती। यीशु की सवारी क्या होनी चाहिए? पाक होनी चाहिए और फरमा बरदार। आखिरी बात, जलाल के बादशाह की सवारी खुशी से पेश होनी चाहिए, जलाल के बादशाह की सवारी खुशी से अपने आप को खुशी खुशी खुदा की हजूरी में पेश। जिन्होंने अपने आप को पेश किया सवारी के लिए, जलाल के बादशाह के लिए, वो वापस कश्ती पेश की गई जलाल के बादशाह के लिए, कश्ती भर गई, बरकत से भर गई, उबेद अपने हाथ जाती, उबेद अपने हाथ ले गया ऐद के संदूक को, बरकतें जा रही सारी कश्ती में। यीशु था, तूफान आया, कश्ती बच गई, लोग बच गए। अगर आप चाहते हैं कि आपको खुदा बचाए, अगर आप चाहते हैं कि आप बरकत से भर जाए, आपका खानदान भर जाए, आपकी कलीसिया भर जाए, अपने आप को पाक करें,
उसकी पाक सवारी बन जाएं और उसको अपने आप को पेश कर, हाँ खुदावन मैं तेरे अंदर आ गया, तूने मुझे मुंतखब किया है, तूने मुझे चुना है, मैं तेरे अंदर आया, मुझे फरमा बरदारी के साथ, मुझे ताबेदारी के साथ अपनी सवारी के लिए संभाल। तुम क्या हो खुदा का, तुम क्या हो खुदा का, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर, खुदा का रूह तुम्हारे अंदर, जब खुदा का रूह आपके अंदर है तो समझ लो आप पर सवार है, आपके कंधों पर है, उसने अपने कंधों पर तुम्हारा बोझ लिया था कि नहीं लिया था, उसने अपने कंधों पर आपका बोझ लिया था कि नहीं लिया था, उसने आपका बोझ उतार दिया इसलिए कि आप हल्के हो जाएं, और जब आप हल्के हो जाएंगे तो जो यीशु ने कहा कि मेरा जुआ नरम और बना, यीशु आपको नरम और मुलायम कर देगा, यीशु आपके सारे बोझ उठाता है, यीशु ने आपको पाक किया है, यीशु ने आपको बहाल किया है, यीशु ने आपको निजात दिया है, उसके फजल से मैंने निजात मिली है, हमें उसका शुक्र करना चाहिए और अपने आप को सवारी के लिए पेश करना चाहिए। अड़ियाँ नहीं करनी थी, औरतें पड़ी किसी की थी, जो पकड़ के उन्होंने कहा पैर चले तो पकड़ के गला कटो गए, तो साढ़े भी अड़ियाँ बहुत ने, बच्चे भी अड़ियाँ करते हैं, बड़े भी अड़ियाँ करते हैं, भाई यीशु की हमने गवाही देनी, आमीन, खुदा आप सबको बरकत दे।